ये सारे फिल्टर फट रहे हरियाणा रोहतक का उसका फोन आ गया। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। स्वागत है सभी का अपनी एक और नई वीडियो में भाई। और आज अपना डे टू ऑफ 180 डेज का चैलेंज। तो भाई चलो, फिलहाल भाई ये अपने ग्रुप में मैसेज आया कि भाई छोटी सी राइड पे निकल रहे हैं बस ऐसे ही शहर में घूमने के लिए, सिटी राइड अपन बोलेंगे। तो अभी मीटअप पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं भाई कौन कौन आएगा। वैसे अभी तक तो भाई 4 बजे से सारे मैसेज पे मैसेज चल रहे हैं कि भाई 6 बजे पहुंचना है, और कई बंदे मैसेज लगे हुए हैं भाई कि हाँ मैं भी आऊँगा। अभी फाइनल टाइम हो गया पहुंचने का, 6:15 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं भी अभी फ्री हो गया था। तो भाई मैंने भी मैसेज कर दिया कि भाई साहब हम भी आ रहे हैं, जय भोले बाबा। तो भाई चलो देखते हैं क्या कुछ, कितने बंदे आए हुए हैं, और करते हैं आज राइड एंजॉय, और आप लोग को भी करवाते हैं थोड़े से मज़े। पिछली बार भी एक बार गया था मैं राइड पे, लेकिन उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि भाई मैं अपना माइक वगैरह नहीं लगा के ले गया था। माइक में भाई मैं फ़ोन की ईयरफोन ही यूज़ कर रहा हूँ, और फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है। और ना अभी एक बार राइड पे चलते हैं, उसके बाद एक चीज़ सोची है मैंने, आप लोग कमेंट में बताना कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। तो भाई फिलहाल पहुंच गए हैं लोकेशन पे, मानसरोवर पार्क। अभी देखते हैं भाई कौन कहां पे खड़ा है। ढूंढो रे ढूंढो भैया, यहां तो कोई नहीं दिख रहा भाई, कॉल करनी पड़ेगी। तो भाई फिलहाल ग्रुप का तो पता नहीं कहां गायब हो गया, ना मैसेज में कोई है ना लोकेशन पे कोई है। 10 मिनट तो वेट कर ली, अब चलते हैं भाई अपने काम पे। ना कोई फ़ोन उठा रहा, पता नहीं राम भरोसे कहाँ गायब हो गए इतनी देर में। तो फिलहाल भाई अपन ना चलते हैं। ओए ओए एंडेवर यार, ब्लैक कलर एक नंबर। तो भाई मैं ना एक चीज़ सोच रहा था, जो आपने देखी होगी भाई जटप्रभ जोत भैया की जो वीडियो देखते हैं भाई, H2 पे पीछे वाले व्हील पे ना उन्होंने सर्कल में वो वाइट कलर में नाम लिखवा रखा है, तो वो वाला नाम लिखवाने की मैं सोच रहा हूँ। और मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे एक बंदा है जाट भवन के पास जो ये काम कर सकता है, तो चलो देख के आते हैं। एसेसरीज की शॉप है एक, अगर बात बन जाए तो। ज़्यादा महंगा होएगा तो भाई नहीं लगवाने वाले, लेकिन हाँ ठीक से बजट में होगा, 300-400 मैक्स 500 भी अगर दोनों साइड व्हील पे लग जाएगा ना तो लगवा देंगे 500 में, नहीं तो फिर प्लान कैंसिल। थोड़ा बहुत और जो करवाएंगे एक आधा टेपिंग का जो हल्का फुल्का रह रहा है ना, सिर्फ वो करवाऊंगा बस, उसके अलावा और इस पे नहीं लगाने वाले अब। और संडे की राइड का देखेंगे भाई, संडे की राइड को अभी मैं ना नेकल वाली वीडियो में बताऊंगा कि संडे की राइड पे भाई जाएंगे या नहीं जाएंगे। ग्रुप में अभी बातचीत करेंगे, देखते हैं कितने बंदे तैयार होंगे। अगर जाएंगे तो फिर ग्रुप राइड ठीक है, नहीं तो फिर अपनी नॉर्मल डेली ब्लॉग्स तो चल ही रहे हैं। अभी अपने को ना दूसरे वाले रोड पे निकलना है यहाँ से, और एक बार फ्यूल भी करवाना पड़ेगा भाई, बाइक रिजर्व लगी मेरा पर्स ओके लेकर आया हूँ। अटियो भाई साहब, अब एक हॉर्न की तार और अटकी, सारा सिंगल हॉर्न बज रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो भाई ये आ गया है मॉडल टाउन, और भाई इवनिंग के टाइम पे ना इस जगह पे आ जाओगे ना, अब यू समझ लो एक अलग ही प्रकार का यहाँ पे तो इवेंट सा चल रहा हो, जैसे गाड़ी घोड़े बाइक व्हीकल कोई भी चीज़ देख लो इतनी मॉडिफाइड मिल जाएंगी, जैसे वरना देख लो भाई हैं अपने आगे ये फॉर्चूनर चल रही है ब्लैक, बिल्कुल जेड ब्लैक कर रखी है। पीछे भाई एक स्कॉर्पियो खड़ी थी मॉडिफाइड, एक यहाँ पे ना इस एरिया में इसुजू भी खड़ी है, इसुजू डीमैक्स, वो तो पता नहीं क्या सिस्टम है उसका, तो आप मॉडिफाई करके छोड़ ही दी हो शायद किसी ने, लावारिस सी होगी। ओके यहाँ से अभी अपने को लेना है लेफ्ट, उसके बाद भाई एसेसरीज वाली दुकान ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि भाई एक बंदे ने बताई थी कि इस एरिया में मिल जाएगी, लेकिन अब कहाँ पे है वो देखनी पड़ेगी। ओ भाई 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 उड़ाता हुआ जान लग रहा है फॉर्चूनर को, ये थार देख लो भाई, थार में ये एलोए तो भाई कॉमन से हो रहे हैं, जो भी थार लेता है ना यही व्हील्स लगवाता है। ओ भाई फिर से ब्लैक एंडेवर, हाय हाय हाय, दोनों गाड़ियां मतलब ब्लैक कलर में और एक साथ चल रही है, गजब लग रही है ना, ये देखो भाई ओए होए फॉर्चूनर वाले ने व्हील्स गजब के लगवा रखे हैं।
और ये देख लो भाई जिमनी, मजाक सही लग रहा था, कुछ मजा आया नहीं बाकी। चलो बाकी अभी ना अपने को लोकेशन पता लगी है तो फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं और फिर चेक करते हैं भाई सामान मिलेगा या नहीं अपना बिना किसी देरी के। तो भाई ये अपन पहुँच गए हैं लोकेशन पे, यहाँ पे तो बहुत सारी एसेसरीज की दुकान है। चलो किसी एक शॉप पे रुकते हैं और फिर पूछते हैं। कार जोन, ये राघव कार एसेसरीज, चलो इधर देखते हैं। भैया जो व्हील के ऊपर टेप नहीं लगती है वाइट कलर की पट्टी सी, वो मिल जाएगी? वो पता नहीं पे बैठे हैं टेप का काम करने वाले, वो अलग टेपिंग होती है टायर के ऊपर जो वाइट कलर की पट्टी, हाँ रबड़ वाली। उन्होंने तो मना कर दी। हाँ उस वहीं से आ रहा हूँ मैं। तो भाई फिलहाल यहाँ पे ना मैंने एक दो शॉप्स पे पता कर लिया भाई, यहाँ पे ये चीज़ कोई अवेलेबल नहीं करवा सकता भाई। नॉर्मल वाइट पट्टी तो मिल रही है लेकिन भाई फॉन्ट वाली नहीं मिल रही। अपने को चाहिए फॉन्ट वाली जिससे अपन चैनल का नाम लिख सकें, वो लगता है सेक्सी। तो वाइट पट्टी तो भाई हर बंदा लगवा के घूमता है, तो नहीं मिलेगी। और चलो कोई नहीं, ये प्लान तो छोड़ दिया, अब नहीं मिल रही तो भाई कोई फ़ायदा नहीं इतने धक्के खाने का। और अभी भाई पता है क्या सीन हुआ भाई, मेरे नंबर पे हरियाणा रोहतक लिखा हुआ है, ठीक है? नंबर जैसे ट्रू कॉलर में चेक करते हैं ना, तो हरियाणा रोहतक लिख रखा है भाई। और मैंने अपने ग्रुप वाले बंदों को कॉल किया, उन्होंने सेव तो कर नहीं रखा कलाकारों ने भाई। वो ही सोच रहे कि भाई नंबर ट्रेस हो गया, किसी चलाने वाले ने पकड़ लिया और भाई अब तो सीन हो गए भाई। वो यूँ फोन नहीं उठा रहे, अभी फोन आया कि भाई मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मगर ठीक है आ रहा जाड़ो, मगर सेव कर लो अब इसको। तो चलो अभी फटाफट से वहाँ पे पहुँचता हूँ, रिकॉर्डिंग इतनी नहीं कर पाऊँगा वहाँ तक जाने क्योंकि भाई फ़ोन में बैटरी भी अब ख़त्म होने वाली है। तो चलो मैं बाकी ना अभी जो मेन ना अपनी बात थी ना वो एक बार बता देता हूँ, जो अपनी भाई इसी से रिलेटेड है। ये अपना कैमरा जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, फिलहाल रिकॉर्डिंग हो रही है भाई मेरे आईफोन एक्स से, ठीक है? और भाई पंगा क्या होता है, पहली चीज़ तो बैटरी भाई इतनी जल्दी पी जाता है ये गुड़ 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 करके, ठीक है? दूसरी चीज़ भाई इसमें लेंस भी लगाना पड़ रहा है, ठीक है? तीसरी चीज़ भाई इस पे ईयरफोन लगा रखी है माइक की जगह पे, तो भाई वो बार बार निकालनी हटा फिर लगानी निकालनी लगानी, वो पंगा हो जाता है। और एक चीज़ भाई इसमें आवाज़ की क्लियरिटी मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं, जो मैं सोच रहा था कि भाई आईफोन की ईयरफोन से काम चल जाएगा वो बात बनी नहीं। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ कि अभी ना ज़्यादा पैसे बाइक पे ना लगा के अपने एक कैमरे का जुगाड़ करते हैं, SJ6 का ही जुगाड़ करेंगे सीधा। बीच का ही सिस्टम 4-5 हज़ार वाला तो अपन लेंगे नहीं, अपन भाई चीज़ ले आएंगे तो ढंग की ले आएंगे, ठीक है? थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन चीज़ अच्छी आनी चाहिए। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि SJ6 लेके आऊँ, 10,000 रुपये का आएगा। सारी जो इस पे खर्चा है बाइक पे वो सारा कैंसिल करते हैं फिलहाल, अपना नॉर्मल घूमते फिरते हैं फिलहाल, जुगाड़ ऐसे ही जो चल रहा है इसको चलाते हैं, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी भाई SJ6 लेके आएंगे, फिर आप बहुत सारे झंझट ख़त्म हो जाएंगे। झंझट क्या क्या है देखो मैं गिनवाता हूँ भाई। सबसे पहले तो शेक जो हो रहा है ना अभी, ये फ़ोन स्टेबिलिटी मिल जाएगी कैमरे से, एक्शन कैमरा हो जाएगा एक तो, अभी खड्डे वगैरह आते हैं बाइक चलती भी है ना तो भाई सारा ऐसे ऐसे कांपने लग जाती है स्क्रीन, तो वो चीज़ भाई बहुत बेकार लगती है। दूसरी चीज़ भाई रोज़ का हटाने लगाने का झंझट ख़त्म, बढ़िया सा माइक आ जाएगा उसके साथ ले लेंगे। अगर कंपनी SJ6 के साथ आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो अलग से वो ले लेंगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है सोल्व हो जाएंगी, ईयरफोन वगैरह भी हटा देंगे, वो परमानेंट माइक लग जाएगा फिर इसमें, तो ये सोच रहा हूँ मैं। तो अभी जितने दिन होएगा उतने दिन इसको चलाएंगे और अभी पैसे जमा करते हैं SJ6 के लिए। आने वाले टाइम में वैसे तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा फ़ोन से, तो भाई कितने टाइम तक कर सकते हैं? और ये लेंस वाइज अब इतना बड़ा तो लेंस है, ये दूर से पता नहीं क्या लगा रखा है, ऐसे लगता है बाबा मस्तनाथ का मंदिर बनने लग रहा है भाई, एक नंबर का। कई साल हो गए भाई इसको बनते, ये देखो यहाँ से एक नंबर, ये देखो।
ये देख लो भाई आड़ा हटने लग रहे हैं ये भाई मैंने फोन मिला ये सारे फिल्टर फट रहे हरियाणा रोहतक का उसका फोन आ गया। अरे यहाँ पे भाई फिलहाल जाने का टाइम हो रहा है अपना, और भाई इनका भी चैनल है राइडर रोहतक, क्या नाम है, द एचआर 12 राइडर राज। ठीक है भाई सब्सक्राइब कर देंगे, थैंक यू आदि। ठीक है भाई सबका सब्सक्राइब कर देंगे जो भी है, बता दो एक बार। अरे बस चलो भाई इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा निर्मल मन के।